यदि आप भी एक मतदाता हैं और लोकसभा चुनाव में वोट देने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। आमतौर पर मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के इंदौर में इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए जिला प्रशासन ने मतदाताओं के लिए एक अलग पहल की है। इंदौर में मतदाताओं को वोटिंग के लिए प्रेरित करने के लिए प्रशासन उन्हें कुछ छूट भी प्रदान करेगा। यह छूट स्थानीय परिवहन से लगाकर शॉपिंग तक में होगी। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ कुछ सुविधाएं ज़िला प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही है प्रदाय करने के लिए, जैसे कि 19 मई 2019 को जितनी भी बसेज होगी उसमें हम समस्त मतदाता, जो व्यक्ति वोट करेगा और अपना इंडेलेबल इंक दिखाता है उसको फ्री राइड मिलेगा बसेज में। टैक्सीज़ में हम लोग डिस्काउंट करवाने का कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त मूवी के कूपन्स हमारे युवा मतदाताओं को अट्रैक्ट करने के लिए मूवी के कूपन्स को अवेल करवाएंगे। जो मतदाता अपना इंडेलेबल इंक दिखाते थे, मैं फिर से बताती हूँ, क्योंकि अगर वोट डाला है तो उसका प्रूफ होगा और वो प्रूफ के उपरांत ही उनको डिस्काउंट मिलेगा। एंड हमारा जो रीजनल पार्क है, मेघदूत पार्क है और जू है, हमारा चिड़ियाघर है, वहाँ पर समस्त मतदाताओं के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। प्रशासन के कुछ चुनिंदा पोलिंग बूथ पर पानी के अतिरिक्त इस बार छाछ और पन्ने जैसे पेय पदार्थों की भी व्यवस्था होगी। वहीं अन्य सुविधाएं भी मतदाताओं को प्रदान की जाएगी। अतिरिक्त सुविधाएं जो हम अपने स्तर पे देने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार होंगी कि क्यूलेस वोटिंग, कुछ कुछ चयनित बूथ्स पे हम लोग ऑनलाइन टोकन सिस्टम रखेंगे और वहाँ हमारा प्रयास ये रहेगा कि समस्त मतदाता उस पोलिंग स्टेशन के क्यूलेस वोटिंग वाले में आए, तो इसमें BLO का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रतीक्षा कक्ष में कूलर वगैरह की व्यवस्था करवाना, मतदाताओं के लिए आम पना, छाछ या शरबत जैसी व्यवस्था करवाना गर्मी को पछाड़ने के लिए। इस ये तो मैंने आपको जो भी बताया, ये आदर्श मतदान केंद्र से संबंधित सुविधाओं के विषय में बताया है। फिलहाल देश में हुए 3 चरणों के चुनाव में जिस तरह से वोट प्रतिशत गिरा है उसे देखते हुए अब इंदौर जिला प्रशासन ने इंदौर में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए अलग रणनीति बनाई है। देश के दूसरे प्रदेशों में आज तक जो मॉडल इस्तेमाल किए गए हैं उन्हीं की तर्ज पर प्रशासन इस बार मतदाताओं को बूथ तक लाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।